हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल आज हम करने वाले हैं नंबर फॉर क्लास आपको, आपको राइट उसके बाद okay? right? हम लिखेंगे एक पैराग्राफ मैनर्स राइट सो सबसे पहले हम पैराग्राफ को समझते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली ठीक है ये कहानी है दो सिस्टर्स की जो ट्विन सिस्टर्स हैं ठीक है और उनका नाम क्या है मीना एंड टीना राइट सो so, मीना एंड टीना आर ट्विन सिस्टर्स दो दे लुक सेम वो सेम लगती हैं लेकिन फिर भी बट दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट ठीक है लेकिन फिर भी क्या है वो दोनों डिफरेंट है इन देयर हैबिट्स अपने आदतों के में मीना नेवर केयर्स फॉर पीपल अराउंड हर अपने आसपास लोगों को की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है शी इज़ ऑलवेज़ concerned हर सेल्फ ओनली इसका मतलब वो अपने बारे में ही हमेशा सोचती है और क्या है सेल्फिश है ऑन द अदर हैंड टीना इज वेरी हेल्पफुल लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें टीना को तो वो बहुत ही मदद करती है लोगों की शी लाइक्स टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करती है पेरेंट्स की और अपने फ्रेंड्स की देखभाल करना भी उसको पसंद है मीना इज वेरी लेजी मीना बहुत ही लेजी है एंड नेवर कम्प्लीट्स हर होमवर्क वो अपना होमवर्क भी कम्पलीट कम्प्लीट नहीं करती है टीना इज वेरी पंचुअल एंड कम्पलीट्स ऑल हर वर्क ऑन टाइम और टीना क्या करती है पंचुअल है रेगुलर है और अपना काम भी पूरा रखती है शी ऑलवेज कीप्स अ स्माइल लेकिन मीना क्या है उसका काम पूरा नहीं रहता वो लोगों से अच्छा बिहेव नहीं करती और हमेशा क्या रहता है रह चिड़चिड़ रहती है ठीक है रिमेन्स मतलब हमेशा सो so, टीना ऑलवेज ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट टीना हमेशा लोगों को कैसे ट्रीट करती है आदर के साथ वाइल मीना थिंक्स दैट रिस्पेक्ट इज नॉट नेसेसरी लेकिन मीना सोचती है कि रिस्पेक्ट देना जरूरी नहीं है दैट इज व्हाई एवरीबडी लव्स टीना इसीलिए हर कोई टीना से प्यार करता है ठीक है सो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स इन द गिवन बॉक्स ठीक है तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है गिवन वर्ड्स uh, की मदद से ठीक है पहला पहला है गुड मैनर्स क्या लिखा हुआ है गुड मैनर्स टीच हाउ टू बिहेव विद अदर्स गुड मैनर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वी शुड स्पीक सॉफ्टली विद अदर्स गुड मैनर्स हेल्प इन कीप गेटिंग रिस्पेक्ट वेयर एज बैड मैनर्स डिफेमस मतलब हमारा क्या करता है बदनामी कराती है अगर हम बैड मैनर्स से पेश आते हैं कोई भी लोग हमें पसंद नहीं करेंगे है ना गुड मैनर्स आर एडमायर्ड बाय ऑल वी शुड बिहेव विद अदर्स इन रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट वे ठीक है हमेशा हमें आदर से और बहुत ही अच्छे तरीके से पोलाइटली हमें बात करनी चाहिए ठीक है हेल्पिंग अदर्स इन नीड इज़ अ गुड गुड बिहेवियर ठीक है लोगों की लोगों को ज़रूरत के समय में उनका और क्या करना उनकी हेल्प करना एक गुड मैनर्स है ऑलवेज स्टैंड एंड ग्रीट वेन समन कम्स टू योर होम जब कोई आपके घर आता है तो आप ऑलवेज स्टैंड ठीक है खड़े होइए और ग्रीट करिए उनको राइट तो ये आता है गुड मैनर्स में सो डियर स्टूडेंट्स आफ्टर रीडिंग द पैसेज एंड फिलिंग द ब्लैंक्स यू मस्ट हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन योर लाइफ अब आपने जान ही लिया होगा गुड मैनर्स आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है ना तो आपको क्या करना है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट एटी टू हंड्रेड वर्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड बिहेवियर तो गुड बिहेवियर में के लिए आपको क्या करना है एक पैराग्राफ लिखना है राइट right?

एटीकेट्स ठीक है वन लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स एल्डर्स ठीक है अपने इस एडिकेट्स के कारण क्या होगा इसके लोगों की रिस्पेक्ट पाता है बड़ों की टू लव द यंगर एंड टू रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट द गेस्ट टू ओबे द एल्डर्स एंड स्पीक अफेक्शनेटली टू द ओल्ड ऑल द पीपल ठीक है हर किसी के साथ प्यार से पेश आते हैं

दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये ठीक है एथिक्स जो इसको कहते हैं कर्टिस प्लस एथिक्स ठीक है विच मीन्स गुड मैनर्स जब लोग दूसरों लोगों के रिस्पेक्ट करते हैं इट इज कॉल्डी इसको करटेसी कहा जाता है ड्यू टू गुड मैनर्स ह्यूमन लर्न दिज गु रूल्स टू फॉलो टाइम स्टे इन डिसिप्लिन एंड हेल्प अदर्स लेकिन गुड मैनर्स अपना कर क्या कर सकते हैं लोग अपना भी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं क्योंकि जब वो गुड मैनर्स फॉलो करेंगे तो क्या होगा डिसिप्लिन में रहेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे जिसके कारण क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ द करटिसी ह्यूमन मेक्स देयर रियल आइडेंटिटी और इस कर्टिस के कारण वो अपने एक अदर अलग आइडेंटिटी बना पाएंगे ठीक है लोग उनसे उनको पसंद करेंगे हर जगह उनका क्या होगा सम्मान होगा ठीक है ये है गुड मैनर्स की इम्पोर्टेंस राइट बच्चों आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी इफ़ यू हैव डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ